नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर हैकर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफीम की खेती के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, अफीम की खेती की ओर लोग सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वजह सीधी सी है और वो है बहुत ही कम लागत में छप्पर फाड़ कमाई होना। वैसे तो देश में अफीम की खेती गैर कानूनी है। जी हाँ, अफीम की खेती गैर कानूनी है, लेकिन अगर इसे नारकोटिक्स विभाग से स्वीकृति लेकर किया जाए तो फिर आपको कोई डर नहीं। तो अफीम की खेती करने के लिए आपको नारकोटिक्स विभाग से इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अफीम की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अफीम की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो अफीम की फसल को समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। भूमि, अफीम को प्रायः सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, परंतु उचित जल निकास एवं पर्याप्त जीवांश पदार्थ वाली मध्यम से गहरी काली मिट्टी, जिसका पीएच मान 7 हो तथा जिसमें विगत 5 से 6 वर्षों में अफीम की खेती नहीं की जा रही हो, उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी, अफीम का बीज बहुत छोटा होता है, अतः खेत की तैयारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए खेत की 2 बार खड़ी तथा आड़ी जुताई की जाती है तथा इसी समय 20 से 30 गाड़ी अच्छी प्रकार से सड़ी गोबर खाद को समान रूप से मिट्टी में मिलाने के बाद पाटा चलाकर खेत को भुरभुरा तथा समतल कर लिया जाता है। इसके उपरांत कृषि कार्य की सुविधा के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी आकार की क्यारियां तैयार कर ली जाती है। अफीम की प्रमुख किस्में, जवाहर अफीम 16, जवाहर अफीम 539 तथा जवाहर अफीम 540 आदि मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित किस्में हैं। बीज दर तथा बीज उपचार, कतार में बुआई करने पर 5 से 6 किलोग्राम तथा फुकवा बुआई करने पर 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई का समय, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के दूसरे सप्ताह तक आवश्यक रूप से इसकी बुआई की जाती है। बुआई की विधि, बीजों को 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहराई पर 30 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 0 से 9 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए बुआई करें। निंदाई और गुड़ाई तथा छटनी, निंदाई गुड़ाई एवं छटाई की प्रथम क्रिया बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद तथा दूसरी क्रिया 35 से 40 दिनों बाद रोग एवं कीटग्रस्त एवं अविकसित पौधे निकालते हुए करनी चाहिए। अंतिम छटाई 50-50 दिनों बाद पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर तथा प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख पौधे रखते हुए करें। खाद एवं उर्वरक, अफीम की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर खाद एवं उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का उपयोग करें। इस हेतु वर्षा ऋतु में खेत में लोबिया अथवा सनई की हरी खाद होना चाहिए। हरी खाद नहीं होने की स्थिति में 20 से 30 गाड़ी अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर खाद खेत की तैयारी के समय दें। इसके अतिरिक्त यूरिया 38 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो तथा म्यूरेट ऑफ पोटास आधा किलो, गंधक 10 भारी के हिसाब से डालें। सिंचाई, बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई करें, तदोपरांत 7 से 10 दिन की अवस्था पर अच्छे अंकुरण हेतु, तत्पश्चात 12 से 15 दिन के उपरांत पर मिट्टी तथा मौसम की दशा अनुसार सिंचाई करें। कली, पुष्प, डोड़ा एवं चीरा लगाने के 3 से 7 दिन पहले सिंचाई देना नितांत आवश्यक होता है। भारी भूमि में चीरे के बाद सिंचाई न करें एवं हल्की भूमि में 2 या 3 चीरे के बाद सिंचाई करें। टपक विधि से सिंचाई करने पर आशाजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। फसल संरक्षण, रोमिल फफूंद, जिस खेत में एक बार रोग हो जाए वहां अगले 3 साल तक अफीम नहीं बोएं। रोग की रोकथाम हेतु नीम का काढ़ा 50 मिलीलीटर प्रति पंप और माइक्रोजाइम 50 मिलीलीटर प्रति पंप पानी में अच्छी तरह घोलकर के 3 बार कम से कम तर बतर कर छिड़काव करें। छिड़काव बुआई के 30 से 50 दिन एवं 70 दिन के बाद ही करें। चूर्णी फफूंद, फरवरी में 2.5 किलो गंधक का घुलनशील चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
अधिक उपज के लिए कृपया इन बातों पर ध्यान दें। एक, बीजोपचार कर बोवनी करें। दो, समय पर बोवनी करें, छनाई समय पर करें। तीन, फफूंदनाशक एवं कीटनाशक दवाइयां निर्धारित मात्रा में उपयोग करें। चार, कली पुष्प डोड़ा अवस्थाओं पर सिंचाई अवश्य करें। पाँच, नक्के ज़्यादा गहरे न लगाएं। छः, लूना ठंडे मौसम में ही करें। सात, काली मिस्सी या कोडिया से बचाव के लिए दवा छिड़काव 20 से 25 दिन पर अवश्य करें। आठ, हमेशा अच्छे बीज का उपयोग करें। नौ, समस्या आने पर तुरंत रोगग्रस्त पौधे के साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें। तो दोस्तों, ये थी अफीम की खेती के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।